हेलो एवरीवन, आज हम 10th मैथमेटिक्स में 12.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे। अगर हम स्टेटमेंट के एक एक वर्ड को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त, तो एक वृत्त बना लिया हमने, ये केंद्र बिंदु, इसका सेंटर पॉइंट हम दिखा देंगे, इसका नाम मैं ओ दे रहा हूँ और ये इसकी त्रिज्या बना रहा हूँ मैं। देखिए ध्यान से कि ये मैंने त्रिज्या बना दी, इसका नाम मैंने ए दे दिया और यहाँ पे मैं 12 cm 12 सेंटीमीटर राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 12 cm। और आगे देखिए, जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित बनाती है। तो पहले नंबर पे आप 120 डिग्री का कोण दिखाएंगे। यहाँ अगर मैं यहाँ लाइन लगा दूँ सीधी तो दिस विल बी 90, लेकिन 120 का कोण है तो उससे थोड़ा सा फालतू ले लेंगे तो दैट विल बी 120। ये इसको यहां से मिला दिया मैंने, इसका नाम भी बी दे दिया और ये हमारे पास कोण कितने डिग्री का बन गया है, 120 डिग्री का। यहाँ बाहर राइट कर रहा हूँ मैं इसको, 120 डिग्री। और मैं यहाँ से ए और बी को भी मिला रहा हूँ मैं, तो ये देखिए ध्यान से, ए और बी को मैंने मिला दिया तो ये हमारे पास जीवा हो जाएगी। तो ये जीवा ए भी आपकी जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। तो आगे देखिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस जीवा के संगत ये हमारे पास वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। देखिए दिस, ये हमारे पास इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिमिलर है कि सीधा वृत्तखंड का निकालने का कोई सूत्र नहीं होता, हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी देखिए, अब हम त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल रहा हूं मैं, लंब ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, दिस ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये जो है टोटल कोण जो है एंगल 120 डिग्री का था, अब ये डिवाइड हो चुका है तो दिस विल बी 60 एंड हियर विल बी 60। और ये 90 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है। तो अभी त्रिभुज के तीनों को कोणों का जोड़, अभी मैं ये ओ है, ये बी है, यहां पे डी दे रहा हूं मैं, डी पॉइंट दे दिया। तो अब मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, पहले नंबर पे इस त्रिभुज की बात करता हूं, बी डी ओ या ओ बी डी, ओ बी डी की बात करते हैं पहले। यहां लिखेंगे आप त्रिभुज ओ बी डी में, इसकी बात कर रहे हैं, ओ बी डी के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, ये 90 एंड 60, दिस विल बी 30, 30 डिग्री का हो जाएगा कोण, 30 और 60 90, 90 और 90 180। तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं OBD की। तो अभी मैं राइट कर रहा हूं BD बाई OB, यहां राइट कर रहा हूं BD बाई OB इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। बीडी ये आपका बीडी है, यानी बेस है आपका, और ओबी क्या है आपका, यहां पे हाइपोटेन्यूज है, ये बेस यानी आधार है और ये आपका कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस डिग्री, कॉस 30 डिग्री आ जाएगा ये आप पे। और इसके साथ साथ ही मैं चल रहा हूं, अभी हमें एक तो इस लाइन की जरूरत पड़ेगी और इधर ये लंब की जरूरत पड़ेगी। अब लंब की बात कर रहा हूं, OD बाई OB, यहां राइट कर रहा हूं OD बाई OB, दिस विल बी साइन 30 डिग्री। इस तरह से हम राइट कर देंगे। तो BD आपके पास क्या है, BD आपको निकालना है, तो BD को BD राइट कर रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान दीजिए BD बाई OB, ये OB आपके पास क्या है, ये 12 cm है, तो ये भी आपका 12 cm है, ये भी आपकी एक क्या है, त्रिज्या है। तो BD बटे 12 राइट कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है बोलिए, कॉस 30 1 बाय अंडर रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। तो आगे देखिए OD, OD हमारे पास देखिए ये खड़ी लाइन है, लंब है इसका, तो यहां पे OD को यदि हमने ज्ञात करना है, निकालना है, और OB आपका 12 है यहाँ पे बाई 12, और साइन 30 क्या होता है, 1/2, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया हुआ है काम। तो अभी देखिए BD आपका क्या हो जाएगा, यहां से
बी डी विल बी, ये 12 आपका ऑफ चला जाएगा, 12 अंडर रूट 3 बटे में 2 हो जाएगा। और यहां से देखिए ओडी आपका क्या हो जाएगा, ओडी ये 12 इधर ऊपर चला जाएगा यहां पे 12 बटे में 2। अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये देखिए 2 छीके 12 कट गया और इधर भी 2 छीके 12 कट गया। तो अभी बी डी आपका क्या आ गया, बी डी आपके पास आ गया जी 6√3 और ए डी यहां पे ओडी है जो भुजा आपकी आ गई है ये 6 आ जाएगा। तो ओडी क्या है हमारे पास, ओडी आपकी ये लंबी लाइन है, लंब है आपका, तो दिस विल बी 6 राइट करना, और राइट करना जो यहां से दिखाई दे रहा है। तो अभी बी डी क्या है हमारे पास, यहां से लेके यहां तक बी डी आपके पास कितना आ गया 6√3। लेकिन हमें ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरी लाइन चाहिए ए बी, तो ए बी क्या करेंगे हम, ये हाफ है और ये हाफ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां राइट कर रहा हूं मैं ए बी, ए बी विल बी 2√6√3, तो दिस विल बी 12√3, ये 12√3 आ गया ये आपका, ये पूरी लाइन जो है यहां से लेके यहां। तो अब हम त्रिज्यखंड का ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका मैं नाम एक और देता हूं, डी तक आ गया, इसका नाम ई दे देता हूं मैं। तो अभी देखिए यहां पे राइट कर रहा हूं मैं वृत्तखंड, यही मैं सीधा राइट कर सकता हूं वैसे, वृत्तखंड, इस वृत्तखंड की बात हो रही है ए ई बी, ए ई बी ये जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल स्पेस कम है मेरे लिए इजी हो जाएगा, इसके बाद इक्वल टू यहां राइट करेंगे, चाहे इधर मैं राइट कर रहा हूं इसके लिए उसी का निकाल रहे हैं हम। त्रिज्यखंड की बात हो रही है, ओ बी ई ए त्रिज्यखंड, ओ बी ई ए का क्षेत्रफल, का यहां राइट कर देता हूं का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, इस त्रिभुज की बात हो रही है ओ बी ए त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल। तो अभी देखिए ध्यान से, त्रिज्यखंड कौन सा, ये आपका त्रिज्यखंड, सारे त्रिज्यखंड की बात हो रही है दिस। तो अभी इसका फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, तो दिस विल बी थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसको ऊंचाई कर देंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो अभी क्या काम करेंगे, इसको इससे आगे थीटा, थीटा हमारे पास क्या है जी, ध्यान दीजिए कि पूरा इस पूरे ट्रायंगल की बात हुई है, तो ये हमारे पास सारा कोण 120 डिग्री है, तो यहां राइट कर देंगे 120 बटे में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई का मान क्या है हमारे पास, ये देखिए ध्यान से 3.14 लेना है हमें, तो इसको हम 314/100 कर देता हूं मैं, दो डिजिट थे उसके नीचे 100/100 लगा दिया, और त्रिज्या आर मेरे पास त्रिज्या है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12, यहां पे 12 लिख रहा हूं मैं, तो 12 की शक्ति 2 है तो 12 × 12 हो जाएगा माइनस 1/2, इसकी बात कर रहा हूं मैं त्रिभुज की, आधार क्या है हमारे पास, ये सारा एबी, एबी हमारे पास आधार देखिए ध्यान, जो ये हमने निकाला था 12√3, तो यहां 12√3 आ गया मल्टीप्लाइड बाय ऊंचाई, ऊंचाई भी हम निकाल चुके हैं, ये ऊंचाई आपकी ओडी है, ध्यान दीजिए कि 6, तो यहां पे 6 राइट कर रहा हूं, तो इससे आगे देखिए ध्यान से, ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 3 में चला जाएगा और 3 × 12 चला जाएगा, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 150.72 माइनस, तो ये जो इधर है हमारे पास यहां से लेके यहां तक, इसको कैलकुलेट करेंगे
थ्री जा, और ये अंडर रूट थ्री की वैल्यू भी लगा सकते हैं, अंडर रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है, इसको हम वैल्यू निकाल देंगे तो ये 62.28 आ जाएगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको इसमें से हम माइनस करेंगे, यहां से लेके यहां तक इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 88.44। और ये क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है और ये हमारे पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इजी वे से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।